क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। 28 मई को देश के नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, लेकिन विपक्ष की जो पार्टियां हैं मानने को तैयार ही नहीं है। प्रधानमंत्री के संसद भवन के उद्घाटन करें, उनका मानना है कि राष्ट्रपति इस नए संसद भवन का उद्घाटन करें, जिसको लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास होगा। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को भी अगर संसद भवन बना ही था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री कौन होते हैं, इसलिए हम लोग उसका। बिहार के भागलपुर में एक मामला उस वक्त चर्चा का विषय बन गया जब एक महिला ने राजद नेता पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि आरोपी नेता की पहचान प्रदेश सचिव और पूर्व जिला अध्यक्ष तिरुपति नाथ यादव के रूप में की गई है। वहीं अश्लील हरकत करने के आरोप में महिला ने नेता की खूब पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार के नवादा सांसद चंदन सिंह ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। साथ ही सांसद ने कहा कि नवादा के सदर अस्पताल के कई डॉक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं। 41 में से मात्र 12 डॉक्टर सही से ड्यूटी करते नजर आए, बाकी डॉक्टर अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से ही चले जाते हैं, लेकिन इन डॉक्टरों ने मनमानी पर रोक लगाने वाला कोई भी नहीं है, जिसको लेकर नवादा की जनता में काफी आक्रोश पनप उठा है। बिहार के मोतिहारी में बलुआ ओवर ब्रिज पर जिले के वरिष्ठ पत्रकार पर अज्ञात अपराधियों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे वे बुरी तरह से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उनके ऊपर हमला उस वक्त किया गया जब वे समाचार संलग्न करने के लिए अपने एक साथी के साथ जा रहे थे, और बलुआ ओवर ब्रिज के पहले ही घात लगाए अज्ञात अपराधियों ने उन पर लोहे की रॉड से उन पर सर पर जानलेवा हमला किया। वहीं घटना के बाद घायल पत्रकार को स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल के भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ज्यादा डैमेज है, कैसे क्या हुआ है फिर से बता दीजिए। वो जो है हम लोग रिपोर्टिंग करने जा रहे थे, दो बाइक से थे, उसी के बीच जो है ओवरब्रिज पे पीछे से आया है, काला बाइक था और वो बाइक पर बैठा हुआ था दो आदमी, पीछे जो लड़का बैठा था अचानक से, हम लोग भी दो बाइक से थे, उसके पीछे भी मेरा दो लड़का था मोटरसाइकिल से, वो देखा है और तब तक बाइक रोड से लेके मेरे पीठ में मारा है। सबको मारने का प्रयास किया, लेकिन मार नहीं पाया है, तब तक हम लोग उसको पकड़ने में लगे, लेकिन चूँकि अपाची से था हम लोग बाइक से थे। बिहार के मोतिहारी में पूर्व चंपारण की पुलिस ने 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लूटकांड और हत्याकांड का खुलासा करते हुए SP कांतेश मिश्र ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गठित पुलिस को छापेमारी में सफलता हासिल हुई है, और पुलिस ने बीते साल मुफलिसी थाना क्षेत्र के मधुबनी घाट में नंदलाल सहनी की हुई हत्या के मुख्य आरोपी अनिल कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
लूट के कुल मामलों में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पहला जो सफलता है वो कोटवा थाना अंतर्गत शंकर सरिया में जो लूटी घटना हुई थी, कैश फोर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के, इसमें एएसपी सदर सिराज और प्रोबेशनर डीएसपी सुश्री सुजीत सिंह के नेतृत्व में जो टीम ने काम किया और 3 जो अभियुक्तों को पकड़ा है, सुनील कुमार, सोनू कुमार, प्रेम कुमार, इनके पास से 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 3 कारतूस, लूटा हुआ मोबाइल और लूट में प्रयुक्त ऑल्टो कार, इसको बरामद किया गया है। पूछताछ में 1100 रुपये लूट होने की बात इन्होंने स्वीकार की, जो लूट में 1100 रुपये में मिला था। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर, न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल, जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम, पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम, निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन और पूर्व एमपी लवली आनंद का कार्यकर्ताओं में जोरदार स्वागत किया है। आपको बता दें कि पटना में होने वाले विराट रैली को सफल बनाने को लेकर लोगों से अपील की और कहा कि यह धरती को हमारी कर्मभूमि ही रही है और जिस तरह से लोगों का प्यार स्वागत मिला है उसे देखकर बहुत खुशी मिली। 94 में लवली आनंद जी यहाँ से उपचुनाव में वैशाली से सांसद बनी थी, ये तो हम लोग की कर्म भूमि रही है। काफी लोग आपको प्यार करते हैं, जो लगातार जन समर्थन दिख रहा है। हम सबों को कहने आए हैं कि 23 नवंबर को पटना में गांधी मैदान में एक विराट रैली होगी, उसका आमंत्रण देने आए हैं और आप लोगों के माध्यम से अभी हम गए थे पचभीरवा, यहाँ जहाँ एक यज्ञ का कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह विधान पार्षद सैयद शाहनवाज हुसैन एक दिवसीय दौरे पर सहरसा पहुंचे हैं, जहां बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने तिवारी चौक के समीप गर्मजोशी से फूल माला के साथ पहना उनका स्वागत किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बिहार शरीफ मुख्यालय के सोहसराय थाना क्षेत्र के सोहडील महुआ तक इलाके में एक अजीबोगरीब घटना घटी है, जहां पुलिस को देखकर एक छात्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह घटना के संबंध में उन्होंने बताया जा रहा है कि देर रात सोहडील महुआ तर इलाके में पुलिस छापेमारी करने के लिए गई थी, जहां पुलिस को मोबाइल लोकेशन के आधार पर सूचना मिली थी कि चपरासी पासवान के घर प्रेम प्रसंग में फरार युवक युवतियां छिपे हुए हैं। इसकी जानकारी को लेकर पुलिस चपरासी पासवान के यहां पहुंचे। पुलिस चपरासी पासवान के घर में घुसकर छानबीन करने लगी और छापेमारी के दौरान जब घर में शोरगुल हुआ तो घर में सो रहे 12 वर्षीय शुभम कुमार ने पुलिस को देख लिया और उसे हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद अनन फानन में देर रात ही परिजनों के द्वारा
शुभम कुमार को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। केसन कोई मैंने भागा था आदमी, लड़का लड़की का कोई अति था, लेकिन यहाँ का लोकेशन जरूर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मोबाइल उनका बंद हो गया, तो प्रशासन ढूंढने लगे घर में हेल करके, तो घर में हेल करके ढूंढने लगे तो वहाँ पर ही आदमी कहीं कुछ है नहीं, मोबाइल बंद करके वो किधर भागा, किधर क्या किया, उसका कोई अति यहाँ कौन लड़का लड़की कहाँ के भागा था ये हम सब नहीं जान सकते, कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं, लेकिन वहाँ पर ही जब डायरेक्ट वो घर में गए तो वहाँ पर ही नहीं मिला, फिर ये घर में ढूंढ के मोबाइल बंद होला के बाद तो वहाँ पर ही कुछ नहीं, घर पूरे सर्च किए और लड़का सोया हुआ था, हल्ला होने लगा तो वो भी उठ करके यहाँ पर ही बाहर निकला, और बाहर जैसे प्रशासन को देखा तो उसका चक्कर लग करके वो गिर गया, गिरने के बाद उसका यहीं पर मौत हो गया। बिहार में नालंदा जिला अंतर्गत दीपनगर थाना क्षेत्र के इलाके के नेपुरा गांव में पति ने अपनी पत्नी की लोहे की रॉड हथौड़े से पीट पीट कर हत्या कर दी, जहां घटना के संबंध में मृतका के परिजनों का आरोप है कि पति श्रवण सिंह रोजाना शराब पीकर घर आता था और अपने ही पत्नी से मारपीट करता था, जिसका पत्नी अक्सर विरोध करती थी, यह कारण है कि श्रवण सिंह ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति श्रवण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। बिहार के मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु में अवैध मादक पदार्थों की दुकान में छापेमारी करने पहुंची, जहां पुलिस को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई और अचानक एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। वह व्यक्ति मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल शुरू कर दिया, वहीं लोगों का उग्र हंगामा देखकर पहुंचे DSP टाउन पर भी भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सख्ती बरती। फिलहाल स्थानीय जनप्रतिनिधि और पुलिस अधिकारियों के काफ़ी समझाने और मुआने के बाद आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी। फिलहाल बिहार की खबरों बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।